नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपका डिपॉजिट पैसा बैंक में सेफ है, क्या आपको अपना सारा पैसा केवल बैंक में रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, कभी किसी बैंक में और कभी किसी बैंक में, उससे थोड़ा लोगों में डर की स्थिति बन गई है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो PMC बैंक में हुआ उससे लोगों का डर और बढ़ गया है। PMC बैंक में जो हुआ, हो सकता है उसका रीज़न PMC बैंक और उसका टॉप मैनेजमेंट HDIL जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है के प्रमोटर्स ने मिलकर कोई फ्रॉड किया हो, जिसकी वजह से PMC बैंक बर्बादी की कगार पर आ गई है और जिसकी वजह से PMC ने विड्रॉल की लिमिट जो है 10,000 रुपये कर दी है। मतलब आपका चाहे जितना पैसा हो, आप केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हो। ये बड़े दुख की बात है और कहीं ना कहीं इसके लिए RBI जिम्मेदार है। दोस्तों, ये समझते हैं कि क्या होगा यदि आपके बैंक में किसी तरह का कोई घोटाला पकड़ा जाता है या आपका बैंक जिसमें आपका हार्ड अर्न मनी डिपॉजिट है बैंक करप्ट हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 1968 में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें RBI के अंडर जितने बैंक आते हैं उनमें डिपॉजिट पैसे का इंश्योरेंस होता है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी यानी 1968 में 5,000 रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योर था, भले आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, जो 1975 में बढ़कर 20,000, 1980 में बढ़कर 30,000 और 1993 में 1,00,000 कर दिया गया था। मगर तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि आपका बैंक बर्बाद हो जाता है तो आपको भारी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका चाहे जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट्स में हो, इस स्थिति में आपको केवल 1,00,000 ही वापस मिलेंगे। यानी यदि आपके सेविंग अकाउंट्स में भले ही 50,00,000 हों, यदि आपका बैंक बैंकक्रप्ट हो जाता है या किसी वजह से बर्बाद हो जाता है तो आपको केवल 1,00,000 ही वापस मिलेंगे। लेकिन यदि आपका पैसा किसी कोऑपरेटिव बैंक जो कि RBI के अंडर नहीं आता है, उसमें ये स्कीम लागू नहीं होती है, तब इस स्थिति में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना पैसा बैंक में रखना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप अपना पैसा अभी भी बैंक में रख सकते हैं, बट थोड़ा सतर्क रहें और उन बैंकों में पैसा डालने से बचें जो बैंक छोटे बैंक हों और आपको डिपॉजिट स्कीम्स पर ज़्यादा रिटर्न देने का वादा इत्यादि करते हों या अन्य किसी तरह का लालच देते हों। बेटर है कि आप बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI इत्यादि में अपना पैसा रखें, क्योंकि यदि किसी बड़े बैंक में इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है और बैंक को उसके NPA की वजह से या किसी दूसरे कारणों से भारी नुकसान हो भी जाता है तो सरकार उन बैंकों की हेल्प करती है और उन्हें डूबने नहीं देती है, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आप अलग अलग बैंक में डिपॉजिट करने के साथ साथ अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड से मतलब है कि आप सारा पैसा एक ही बैंक में ना रखें, आप अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए 2-3 बैंक्स का ऑप्शन चुन सकते हैं और इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और सरकारी बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। दोस्तों, सरकारी बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें डिपॉजिट पैसे पर सरकार आपको पूरी गारंटी देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, लेकिन यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।